Hello students, today we will start energy per unit volume in electrostatic field. यानी कि जब कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है किसी बैटरी से लगा के, तो बैटरी के लगाने से क्या होगा कि बैटरी को एक वर्क डन करना पड़ता है कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए, और वह जो वर्क डन है इक्विवेलेंट टू एनर्जी होता है बैटरी का एनर्जी. तो एनर्जी का तो ना उत्पन्न होता है ना नाश होता है, तो वह एनर्जी जो है वह पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट्स में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा. और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक प्लेट प्लस क्यू चार्ज रहता है, दूसरे में माइनस क्यू रहता है बैटरी से चार्ज करने के बाद. इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की ओर होता है, और जो एनर्जी स्टोर होता है उसी एनर्जी का नाम दिया गया है एनर्जी. और यह हम कैपेसिटर के पर यूनिट वॉल्यूम में क्या स्टोर होगा उसको कैलकुलेट करेंगे, इसीलिए टॉपिक का नाम हो गया एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. यह है मेरा आज का टॉपिक. सॉरी, तो ऐसा है कि व्हेन ए कैपेसिटर इज चार्ज्ड एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज सेट अप बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. वो तो मैंने समझाया, अब लिखने के लिए ऐसे लिखेंगे. सो वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर इज द वर्क डन इन सेटिंग अप द इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड को सेट करने में भी हर जगह तो ऊर्जा का ही खेल है यहां. तो उस वर्क डन जो होगा वह सेटिंग अप इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटिंग करने के लिए वह स्टोर हो जाएगा. तो अब मान लिया कि कैपिटल सी जो है दैट इज द कैपेसिटर ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ए इज एरिया ऑफ ईच प्लेट, पहले भी कहा जा चुका है. डी इज डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स. लेट क्यू स्मॉल क्यू इज द चार्ज सप्लाइड टू द कैपेसिटर. नाउ वी नो दैट, कई बार इस फॉर्मूला को हम लोग यूज कर चुके हैं, प्रूफ भी कर चुके हैं गॉसेस थ्योरम के एप्लीकेशन में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी. देयरफॉर सिग्मा बिकम्स एप्सिलॉन नॉट ई, बट सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया क्यू बाई ए, सो क्यू बिकम्स सिग्मा ए. पुट द वैल्यू ऑफ सिग्मा फ्रॉम हियर वी गेट Q equal to epsilon naught EA. Let it be equation number 1. Now, capacitance of a capacitor is defined as C equal to Q by V or V equal to Q by C. Ab let DQ. DQ kya hai? Very small amount of charge hum le rahe hain. This is the small additional charge supplied to the capacitor at constant potential V, where capital V is the potential difference between the two plates of the capacitor when it is charged. Then work done kya hoga? Work done by the battery, a small charge, additional charge hai, the small work done dW, it will be VdQ. Ab ye kaise hua? Potential ka formula hota hai W by Q, charge work done per unit charge. So W becomes potential into charge. We have the potential V and charge is additional charge is dQ, so V dQ. Therefore dW becomes, put the value of D, this dW becomes Q by C, because V equal to Q by C, so Q by C into dQ. Therefore total work done in delivering charge Q टू दी कैपेसिटर. हम टोटल चार्ज कितना दे रहे हैं Q, तो टोटल वर्क के लिए क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे. W becomes 1 by C constant बाहर आ गया, इंटीग्रल 0 टू Q Q dQ, एंड Q dQ का इंटीग्रल वैल्यू होता है Q square by 2. लोअर लिमिट अपर लिमिट बैठाएंगे तो इट बिकम्स Q square by 2C. यह जो वर्क डन हमने कैलकुलेट किया ना, तो दिस वर्क डन बाय बैटरी इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिक एनर्जी, और इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम कैपिटल यू से डिनोट करेंगे. देयरफॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ चार्ज कैपेसिटर, यह भी एक फॉर्मूला हुआ ऑब्जेक्टिव सवाल के लिए,
कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर, तो इट्स फॉर्मूला इज इक्वल टू U इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2C। कभी कभी इतना भी 5 मार्क्स में पूछा जाएगा कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ ए चार्ज्ड कैपेसिटर, तो उस समय यहां तक लिखना पड़ेगा। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। वी नो दैट कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज, आई हैव ऑलरेडी डिराइव्ड दिस इक्वेशन, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। व्हेन वी विल पुट दिस वैल्यूज, दिस यू बिकम्स एप्सिलॉन नॉट ई ए का होल स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी। नाउ एरिया इनटू डिस्टेंस इज इक्वल टू वॉल्यूम, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर, लेट इट इज डिनोटेड बाय ए स्मॉल वी, इट विल बी ए इनटू डी। So this U now becomes 1 by 2 epsilon naught E square V, where this V is volume of the capacitor. Therefore, energy stored per unit volume, it will be U by a small V. So V we cancel out, 1 by 2 epsilon naught E square. This is the formula of energy per unit volume in electrostatic field, which is our topic for today. Or this energy per unit volume in electrostatic field is also called energy density. So energy, formula for energy density is what? It is UE equal to 1 by 2 epsilon naught E square. Since it is energy by volume, therefore unit of energy per unit volume in electrostatic field in SI system will be joule per meter cube in SI system. Now, we are going to study about polarization, displacement vector, etc. अब हम लोग dielectric medium, polarization, displacement vector के बारे में जानना चाहेंगे। Polarization का हिंदी होता है ध्रुवन, माने एक ही दिशा में कोई चीज होना। वह कोई चीज क्या है, एक ही दिशा में कैसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसको जानने के पहले पोलराइजेशन पर हम समझना चाहेंगे कि ध्रुवन होता क्या है। इसमें अब हम लोग जब डायलेक्ट्रिक के बारे में कहते हैं तो दो तरह का डायलेक्ट्रिक होगा, एक पोलर डायलेक्ट्रिक और दूसरा नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक। तो इसका डिफिनेशन क्या है वो जानना जरूरी है। तो ऐसा है कि किसी भी एटम में, इन एन एटम, द नेगेटिव चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ डिफरेंट ऑर्बिट में चक्कर लगाया करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन क्लाउड से यहां पर कह रहे हैं, जो क्या होता है ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। तो इन एन एटम द नेगेटिव चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द न्यूक्लियस के चारों ओर होता है, हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्ज। जितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड का चार्ज होगा नेगेटिव, प्रोटॉन का भी, न्यूक्लियस का भी चार्ज वही होता है प्रोटॉन का, क्योंकि एटम तो न्यूट्रल होता है, तो उसी को कहा गया डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द न्यूक्लियस हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्ज। तो किसी भी एटम में क्या होगा, सो इन एन एटम और मॉलिक्यूल ऑफ ए डायलेक्ट्रिक, डायलेक्ट्रिक एटम या मॉलिक्यूल दोनों में यह बात लागू होता है। तो सारे पॉजिटिव चार्ज का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, तो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस मे और मे नॉट कॉइंसाइड। तो डायलेक्ट्रिक के एटम या मॉलिक्यूल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बहुत सारे मेटेरियल ऐसे हैं जिसमें कॉन्साइड करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, बहुत नहीं करता है। यही कारण है कि द एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द डायलेक्ट्रिक आर टर्म्ड एज नॉन पोलर और पोलर। अब है कि नॉन पोलर किसको कहेंगे, कैसे डायलेक्ट्रिक मेटेरियल को नॉन पोलर कहेंगे,
तो व्हेन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ ए डायलैक्ट्रिक कॉन्साइड, अगर कॉन्साइड करते हैं देन इट इज कॉल्ड ए नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक। तो ऐसे मेटेरियल को हम कहेंगे, वैसे डायलैक्ट्रिक को कहेंगे नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक, या नेचर ऑफ द डायलैक्ट्रिक पर डिपेंड करता है। अब क्या है कि जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों का कॉन्साइड करते हैं, हाँ, ये तो नेचुरल फेनोमेना है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच अगर डिस्टेंस रहता है तो इक्वल पॉजिटिव इक्वल नेगेटिव चार्ज है, अगर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस है तो एक डायपोल फॉर्म करते हैं, और डायपोल मोमेंट क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो यहां पर क्या है, सेपरेशन बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या होता है, जीरो। तो ड्यू टू जीरो सेपरेशन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ सच एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द डायलैक्ट्रिक इज जीरो। डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। इस तरह के मटेरियल, इस तरह का डायलैक्ट्रिक का एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, बेंजीन, मेथीन, ईटीसी, ये सारे नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक के कैटेगरी में आते हैं। अब जस्ट इसका उल्टा पोलर डायलैक्ट्रिक, व्हाट इज पोलर डायलैक्ट्रिक, व्हेन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ ए डायलैक्ट्रिक डू नॉट कॉन्साइड, एवरीथिंग इज रिटन हियर, यू कैन नोट डाउन इट, डू नॉट कॉन्साइड, देन इट इज कॉल्ड पोलर डायलैक्ट्रिक। तो चूंकि इसमें सेपरेशन होता है, इसलिए ड्यू टू फाइनाइट सेपरेशन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस सच एटम्स और मॉलिक्यूल्स पॉसेस फाइनाइट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। दोनों ही डायलैक्ट्रिक है लेकिन एक में कॉन्साइड करता है, एक में नहीं करता है, तो नहीं करने वाले को पोलर डायलैक्ट्रिक कहेंगे। पोलर डायलैक्ट्रिक का एक फाइनाइट डायपोल मोमेंट वैल्यू होगा, नॉन पोलर का फाइनाइट डायपोल मोमेंट नहीं होगा, जीरो होगा। और पोलर डायलैक्ट्रिक का एग्जांपल क्या है, मॉलिक्यूल्स सच एज अमोनिया NH3, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, H2O वाटर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ETC और बहुत सारे हैं। अब एक एग्जांपल के रूप में हम ले रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैज ए परमानेंट डायपोल मोमेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ 6×10⁻²⁸ कूलम्ब मीटर। इसी तरह से हर पोलर डायलैक्ट्रिक का अपना अपना फाइनाइट डायपोल मोमेंट का वैल्यू होता है, और वो वैल्यू एक्सपेरिमेंटली सबका निकाला गया है, एक एग्जांपल के तौर पर वाटर के बारे में यहां लिखा गया है। अब हम जानेंगे पोलराइजेशन क्या होता है। अब पोलराइजेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक नॉन पोलर एटम को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे और इसका स्टडी करेंगे। अब सवाल उठता है क्या नॉन पोलर से ही होगा, क्या पोलर का नहीं होगा, क्या पोलर का ही होगा, क्योंकि पोलर में सेपरेशन होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में, और नॉन पोलर में नहीं होता है। तो किसी को भी हम यहां पर नॉन पोलर सुविधा के लिए लिए हैं, तो लिखा हुआ है यहां नॉन पोलर एटम्स प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसा है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू ए नॉन पोलर एटम, तो नॉन पोलर एटम में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो कॉन्साइड किया, तो क्या होगा, उसका जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है वह गेट्स पुल्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में एक उस पर स्ट्रेच करेगा, लेकिन वाइल इलेक्ट्रॉन्स गेट पुल्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कॉन्साइड किया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मान लो ऐसे है, तो इस पॉजिटिव चार्ज पर किधर फोर्स लगेगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, लेकिन यह जो नेगेटिव चार्ज है इस पर फोर्स लगेगा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या हो जाएगा जी, दोनों के बीच एक सेपरेशन हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स गेट पुल्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इससे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इधर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, तो क्या होगा कि एक रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा दोनों के बीच, एक रीस्टोरिंग फोर्स क्या करता है, जो दोनों को फिर अपने वापस पूर्वावस्था में लाना चाहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कर दो तो दोनों फिर कॉन्साइड कर जाएंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन पुल्ड हुआ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हेंस ए रीस्टोरिंग फोर्स इज सेट अप। यह क्या काम करेगा, टू ब्रिंग द इलेक्ट्रॉन क्लाउड
बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट विथ रेस्पेक्ट टू द न्यूक्लियस, लाना चाहेगा, और यह इस तरह से नॉन पोलर, हर नॉन पोलर एटम में एक स्ट्रेचिंग होगा, और यह स्ट्रेचिंग तब तक कंटिन्यू होगा जब तक कि यह जो स्ट्रेचिंग फोर्स है वह इक्वल एंड ऑपोजिट टू रीस्टोरिंग फोर्स ना हो जाए। अब ना हो जाए तो रीस्टोरिंग फोर्स का काम क्या हो जाता है, टू ब्रिंग द इलेक्ट्रॉन क्लाउड बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट विद रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियस। द स्ट्रेचिंग ऑफ एटम कंटिन्यूज, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डिस्प्लेस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते, तो द स्ट्रेचिंग ऑफ एटम कंटिन्यूज, कब तक यह कंटिन्यू करेगा, द स्ट्रेचिंग ऑफ एटम कंटिन्यूज टिल द रीस्टोरिंग फोर्स बिकम्स जस्ट इक्वल एंड ऑपोजिट टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द चार्जेस। तो क्या घटना हो जाएगा फिर, द स्ट्रेचिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक एटम्स ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस इन द एटम्स, क्यों डिस्प्लेस होता है, अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को हम कहेंगे इज कॉल्ड पोलराइजेशन। मतलब हर एटम एंड मॉलिक्यूल पोलराइज हो जाएगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस सेपरेटेड इन ईच एटम, राइट। तो पोलराइजेशन को हम कह सकते हैं, कंसेप्ट क्या हुआ पोलराइजेशन का, यह कंसेप्ट हुआ द स्ट्रेचिंग ऑफ डायलेक्ट्रिक एटम्स ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस इन द एटम्स अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोलराइजेशन। क्योंकि चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अलग अलग हो गए, तो एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ द एटम सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव न्यूक्लियस डज नॉट कॉइंसाइड विद दैट ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू दिस द एटम एक्वायर्स ए डाइपोल मोमेंट। जो नॉन पोलर एटम का डाइपोल मोमेंट जीरो था, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसमें एक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा तब तक जब तक कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यू रहेगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम बताने जा रहे हैं कि अगर किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसका पोलराइजेशन किस तरह से होगा, यानी कि नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट पोलराइजेशन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब। उसके लिए पहले इस चित्र से समझ लो, देखो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें चार्ज क्यू दिए हैं, इसको हम सप्लाइड चार्ज कहेंगे, और इसमें जो चार्ज दूसरे प्लेट में आया इसको इंड्यूस्ड चार्ज कहेंगे, जिसके चलते बहुत पुरानी बात अब हो गई कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करेगा बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, उसको हम वेक्टर ई नॉट से डिनोट कर रहे हैं, और इस वेक्टर ई नॉट को हम कहेंगे अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड नाम मेरा तब होगा जब कि दोनों प्लेट के बीच मीडियम एयर होगा या वैक्यूम। इस चार्ज को फ्री चार्ज भी कहा गया है, प्लस क्यू माइनस क्यू को फ्री चार्ज भी कहा गया है। फ्री चार्ज मीन्स व्हेन देयर इज वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। पहले इस फिगर के बारे में जितना लिखना है उसको हम लिख ले रहे हैं, तुम लोग नोट डाउन करो। कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स, देन वी नो दैट, इस केस में अभी इसके पहले आज ही इस फॉर्मूला को हम यूज किए हैं दो बार, E नॉट बराबर क्या होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, वेयर E नॉट क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इन वैक्यूम। अभी और दो तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा पोलराइजेशन होने के बाद, इसलिए इस इलेक्ट्रिक E नॉट को, इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट को हम अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड नाम दे रहे हैं। इस पर ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट बात है। और सिग्मा तो मालूम है सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया। अब इस फिगर में आ जाएं, पहले समझ लो फिर लिखने की बात तो यहां है ही है, उसको हम हिंदी में भी बता दे रहे हैं। अब क्या करते हैं कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है,
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर में अब हम लोग एक डायरेक्ट्रिक स्लैब को रखे हैं। ये जो देख रहे हो इस तरह का फिगर, दिस इज द डायइलेक्ट्रिक स्लैब, डायइलेक्ट्रिक मीडियम है ये। अब यहां पर जो हम ये सब ड्रॉ किए हैं, कौन सा, ये छोटा छोटा गोल गोल देख रहे हो इलेक्ट्रिकल शेप का, ये एटम्स ऑफ द डायइलेक्ट्रिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा नहीं समझना है कि एक दो तीन चार पांच पांच तेरे पंद्रह टू आइटम, ऐसा नहीं, ये तो एक सिंबॉलिक है, ये एक सिंबॉलिक है, राइट। तो दीज आर द एटम्स। तो क्या होगा कि ये दोनों कहलाएंगे फ्री चार्ज। अब यहां पर यह जो ओपन स्पेस है दोनों तरफ, यह एयर है और यह डायइलेक्ट्रिक मीडियम है। तो ई नॉट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड से यह इस पर लग रहा है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते मालूम है क्या होगा कि नॉन पोलर एटम का पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है डिस्प्लेस होगा, यानी कि हर एटम का पॉजिटिव चार्ज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेस होगा और नेगेटिव चार्ज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए ध्यान दो, यहाँ पर माइनस प्लस, इसी तरह से यहाँ भी माइनस प्लस, यहाँ लिखने का जगह नहीं था इसलिए इस पर हम लिखे नहीं है, बट इट इज अंडरस्टूड। और ये भी माइनस प्लस इस तरह से है। तो अब क्या होगा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते लेफ्ट फेस ऑफ द डायलेक्ट्रिक स्लैब में एक चार्ज इंड्यूस होगा और उसका नेचर क्या होगा, माइनस, और उस चार्ज को हम माइनस क्यू आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ऑपोजिट राइट फेस ऑफ द डायलेक्ट्रिक स्लैब में प्लस क्यू आई चार्ज इंड्यूस होगा। तो ये दोनों जो लेफ्ट फेस और राइट फेस में चार्ज इंड्यूस हो रहा है, इधर माइनस क्यू आई एज पर रूल ऑफ इंडक्शन और प्लस क्यू आई, दीज टू चार्जेस आर नाउ कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्जेस एंड द चार्ज ऑन द प्लेट इज कॉल्ड सप्लाइड चार्ज और फ्री चार्ज। डिफरेंशिएट करने के लिए है तो सब चार्ज, लेकिन अब अलग अलग तरीके से हो रहा है तो नाम हो गया। तो ये चूंकि इंड्यूस हो रहा है इसलिए इंड्यूस्ड चार्ज। अब इंटीरियर ऑफ द डायलेक्ट्रिक स्लैब में देखो, जिसको कि हम डॉटेड लाइन से घेरे हुए हैं, है डॉटेड बाउंड्री इसको किए हैं, इसके अंदर में इधर देखो क्या होगा, प्लस माइनस, प्लस माइनस, कोई चार्ज नहीं होगा। चार्ज कहां पर होगा, ओनली लेफ्ट फेस और राइट फेस में। एंड इन द इंटीरियर ऑफ द डायलेक्ट्रिक द नेट चार्ज इज जीरो एंड इट इज शोन बाय डॉटेड बाउंड्री, shown by dotted boundaries। तो आशा करता हूं कि ये फिगर, दोनों फिगर का क्या अंतर है समझ रहे होंगे। अब क्या है कि यहां पर ये जो ओपन स्पेस देख रहे हो, यहां पर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट है, हम लिखे नहीं है। E नॉट का डायरेक्शन किधर होगा, इधर से इधर, यानी कि लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। अब देखो इस स्पेस में प्लस क्यू वाई चार्ज है, इस फेस में माइनस क्यू आई चार्ज है, तो यहां अंदर में भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ईपी से रिप्रेजेंट करेंगे। एक तो हो गया ई नॉट, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड हम बताने जा रहे हैं वह क्या है, ईपी। इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम यहां पर घेर दे रहे हैं ऐसे। EP क्या होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम प्लस QI टू माइनस QI, अर्थात ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ E नॉट। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम रखा गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, क्योंकि हर एटम और पोलराइज हो गया अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देख रहे हो कितना डिसिप्लिन्ड वे में, पहले ये सब इनडिसिप्लिन्ड वे में एटम थे, अब सारे के सारे डिसिप्लिन्ड वे में आ गए हैं एक ही डायरेक्शन में, इसीलिए तो इसका नाम पड़ गया पोलराइजेशन। तो E नॉट का डायरेक्शन और EP का डायरेक्शन एक दूसरे को ऑपोजिट होगा। E नॉट का डायरेक्शन होगा फ्रॉम प्लस क्यू आई टू प्लस क्यू टू माइनस क्यू, और EP का डायरेक्शन होगा इनसाइड द स्लैब
that is from plus qy induced charge to minus qy induced charge, both are oppositely directed. तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा जब डायलेक्ट्रिक स्लैब को हम पुट करेंगे इन द बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E नॉट माइनस EP. क्यों माइनस? बिकॉज बोथ आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड. तो हम कह सकते हैं कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन द डायलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर बिकम्स E इक्वल टू E नॉट माइनस EP. दिस इलेक्ट्रिक फील्ड E इज कॉल्ड रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. और यह भी कंक्लूजन निकला कि अगर हम डायलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेट के बीच में रखेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा. और वह डिफरेंस होगा बिटवीन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन. तो ध्यान देना इस बात को. अब यह बात यह पूरे टॉपिक में चलेगा. तीन तरह का इलेक्ट्रिक, दो तरह का चार्ज हुआ, एक फ्री चार्ज दूसरा इंड्यूस्ड चार्ज. तीन तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां हो गया, एक हुआ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, और तीसरा हुआ रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तीनों का रिलेशन क्या हो गया, E इक्वल टू E नॉट माइनस EP. अब नोट के लिए लिखा हुआ है, ये तो हमने समझाया, इसको दिमाग में ध्यान से रखोगे. और अब हम इसको पढ़ रहे हैं इसी को. क्या, कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग हैकम बिटवीन द प्लेट्स, देन वी नो दैट E नॉट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, वेयर व्हाट इज सिग्मा, E नॉट सिग्मा इट इज रिटन. नाउ लेट ए डायलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ नॉन पोलर एटम, पोलर एटम से भी हम लोग कर सकते हैं, एटम्स इज प्लेस्ड बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, देन ईच मॉलिक्यूल ऑफ द डायलेक्ट्रिक स्लैब गेट्स पोलराइज्ड, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस गेट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ईच अदर. ऑन द लेफ्ट फेस ए नेट नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू आई एंड ऑन द राइट फेस ए पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू आई अपीयर्स. सब लिखा हुआ है. द चार्जेस माइनस क्यू आई एंड प्लस क्यू आई ऑन द टू सर्फेसेस ऑफ द डायलेक्ट्रिक स्लैब आर कॉल्ड induced charges. There is no net charge in the interior of the dielectric slab. In the interior of the dielectric material, or you can say slab marked, and this is marked by the dotted boundaries. It is marked by the dotted boundaries. तो मैं repeat कर रहा हूँ कि द इंड्यूस्ड चार्जेस सेटअप एन इलेक्ट्रिक फील्ड EP इनसाइड द डायलेक्ट्रिक एंड इट इज कॉल्ड, मैं कह चुका हूं समझाने में, उसी को रिपीट कर रहा हूं, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन. द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इंड्यूस्ड चार्जेस. The direction of electric field due to polarization is from positive to negative induced charges developed on the two faces of the dielectric slab. That is along a direction opposite to the direction of the applied field. EP ka direction idhar, E naught ka direction idhar. Opposite to the direction of applied electric field E naught. Therefore, the resultant electric field इन द डायरेक्ट्रिक इज गिवन बाई, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, E नॉट EP ऑपोजिटली डायरेक्टेड है, बोल चुके हैं फिर बोल रहे हैं, इज गिवन बाई E इक्वल टू E नॉट माइनस EP. हियर इलेक्ट्रिक फील्ड E इज कॉल्ड रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो क्या हुआ हमारा कंक्लूजन, कि दस ऑन प्लेसिंग ए डायरेक्ट्रिक स्लैब इन साइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड the strength of the electric field gets reduced and that is E equal to E naught minus EP is reduced value of electric field, E naught is applied electric field, that is electric field in vacuum, EP is electric field due to polarization when the dielectric slab is placed, and this is the theory behind the
ए डायरेक्ट्रिक्स लैंप प्लेस्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड. इन माय नेक्स्ट लेक्चर आई विल एक्सप्लेन अबाउट डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पोलराइजेशन डेंसिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. इट विल बी कैरीड इन माय नेक्स्ट लेक्चर. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. नेक्स्ट डे आई विल स्टार्ट व्हाटएवर आई सेड. थैंक यू वेरी मच.